इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी खबर है। फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात कर दिए गए हैं। जम्मू में बैक टू बैक अटैक्स देखने के बाद फाइनली अब इंडियन आर्मी के द्वारा अपने रिवेंज प्लान को यहां पे इनिशिएट कर दिया गया है। अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, स्क्योर करने के लिए वहां पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दिए। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये, 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप्स बने हैं सबके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, इन्हीं की ट्रेनिंग है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्य जी जो हैं, वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस LOC। पाकिस्तान पाकिस्तानी आवाम के बजट का पैसा ले लेकर उनके जो है अपने देश में ऐसे ग्रुप्स पालना और फिर लास्ट में जाके वही ग्रुप्स इन्हीं को ही ग्रेवान से पकड़ लेती है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं? ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता। वो जो 500 पैरा SF वाले हैं ना, आप इनको टीम्स में डिवाइड करो और बोलो कि कैरी आउट रेड्स, आपको रेड करवानी है पाकिस्तानी आर्मी के लोकेशंस पे। वो पाकिस्तानी आर्मी का जो ब्रिगेड कमांडर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो कोई गुड नाइट बोलने आ जाएगा वहां पे पैरा SF वाला। खबरों के मुताबिक, जैसा कि हम पिछले दो हफ्तों से देख रहे थे कि आए दिन इंडिया साइड जो एरिया है कश्मीर का, जम्मू का खास तौर पर एरिया, वहां पे अटैक हो रहे थे, इंडियन फोर्सेस के लोगों की जाने जा रही थी और वो लोग, उनकी पब्लिक, उनकी गवर्नमेंट इस चीज को लेकर परेशान थी। अब खबरें ये हैं कि उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस के 500 जो कमांडो हैं, पैरा कमांडो, उन्हें वहां पे तैनात किया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर लेट्स सपोज कश्मीर की अगर बात की जाए, 76 साल से ये इशू खत्म क्यों नहीं हो रहा? और आए दिन जो वहां पे इशू हो रहे हैं, कभी हम यहां से ये मतलब जब बात करते हैं जिहाद की या ओवरऑल जो बात करते हैं, इसको लेके पब्लिक में क्या आज के दौर में 2024 एजुकेटेड यूथ हो या कोई एक आम पाकिस्तानी हो, क्या अपनी ओपिनियन रखता है? वो जो 500 पैरा SF वाले हैं ना, आप इनको टीम्स में डिवाइड करो और बोलो कि कैरी आउट रेड्स, ये जो पूरा मैटर है ना सर्जिकल स्ट्राइक का, जो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने तो कभी सुना नहीं था नाम इसका। जब पहली हुई तब मुझे पता लगा, फिर मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर व्हाट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक, इज इवन आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, क्योंकि ग्लॉसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स होता है हम लोगों का ना फौज में, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लॉसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स, उसमें देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। हमने रेड करी है यार, हमें रेड आता, हमने रेड सीखा था, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस हैज कम, मे बी अमेरिकन वर्ड, मुझे नहीं पता, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक वाज नेवर अ टर्म यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, हम लोगों ने कभी यूज नहीं करा, मुझे यूज नहीं करा, हमें पता ही नहीं था। मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर ये कौन सा जानवर है सर्जिकल स्ट्राइक? वो कह रहा, सर कह रहा बेटा मैंने आई डोंट नो। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो दैट इज बेसिकली रेड, राइट? आपने रेड करा, आपको रेड करवानी है पैरा SF से, आपको रेड करवानी है पाकिस्तानी आर्मी के लोकेशंस पे। पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा 5 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे, कहीं ना कहीं होगा ना, वहां पे रेड करवाइए आप, वहां पे यू शुड रेड। ब्रिगेड कमांडर को, पाकिस्तानी आर्मी का जो ब्रिगेड कमांडर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो कोई गुड नाइट बोलने आ जाएगा वहां पे पैरा SF वाला। He will come and say good night to me. वो खौफ जरूरी है, वो दहशत जरूरी है। इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि इंडिया का मीडिया इस खबर से भर चुका है। इस वक्त खबर ये है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये, 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से, ये आपके सामने हम डिटेल्स रखते हैं और क्यों है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखिए प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज्यादा वहां पर दहशतगर्दी नजर आई, कई ऐसे वाकयात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान, उसके अंदर उनकी जाने गई और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जाने गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55
टेररिस्ट, जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में, उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, एक बार फिर वहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो द आर्मी हैज़ ऑलरेडी, इंडियन आर्मी हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट इन ट्रूप्स टू द एरिया इंक्लूडिंग वन ब्रिगेड, स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 3500 to 4000, 3500 to 4000 पर्सनल भी वहाँ पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है, और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर गए हुए दहशतगर्द, हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में, हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो जाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नजर नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी, पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहां पर अब डिप्लॉयमेंट कर दिए, तो हो सकता है वहां पे तो देखिए ना, अभी तो बन्नू का जो वाकया है उसके ऊपर ही एक हंगामा मचा हुआ है। अब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर, उसके साथ ही खबरें जब मैं देख रही थी तो पता ही चला कि उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, और TTP से, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मिनते तरले किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और हम इसके ऊपर इन्वॉय को बुलाया गया और वगैरह। अब अंदाजा करो, तालिबान के इन्वॉय को बुलाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो करेगा, वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है बल्कि बहुत ही ख़राब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ख़राब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त, और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए, बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर अटैक काउंटर किया जा रहा है, और तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्य जी जो हैं वो, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा हो कि वाई नॉट क्रॉस LOC, उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस LOC मेजर गौरव आर्य जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो, तुझे मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएँ, घुस जाएँ, ना घुस के मारेंगे, नहीं इस तरह ना करें। ये जो है ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हूँ तुम इंज ना करो तो